संडे स्कूल में स्वागत है। आइए एक एक्शन सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जा रहे थे। बाइबल में लिखा है कि यीशु दयालु है और वह अपने लोगों के ऊपर दया करता है। इसका मतलब है कि यीशु दूसरों के प्रति चिंता करते हैं, उनकी हर एक जरूरतों को पूरी करते हैं। लेकिन लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता थी कि वे परमेश्वर के प्रेम के बारे में और भी सुनना चाहते थे, और सारी भीड़ इतनी उत्सुक थी कि वे खाना खाने भी भूल गए। कुछ देर बाद चेले यीशु के पास आकर कहने लगे कि यह सुनसान जगह है, लोग बहुत लंबे समय से इसी स्थान पर हैं और देर हो रही है, इसलिए लोगों को विदा किया जाए कि वे जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। तुरंत यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने यीशु से कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। तब उसने लोगों को बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेले को दी और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। आज हमने सीखा कि हमें एक दूसरे का केयर करना चाहिए और एक दूसरों से शेयर भी करना चाहिए। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि यदि हम एक दूसरे को अपनी चीजें शेयर करेंगे तो वह हमें दुगना आशीष से भर देगा। आपको याद करने के लिए एक वचन दिया जा रहा है, यूहन्ना
15 अध्याय और उसका 7 पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग अपने अपने आंखों को मेरे महाजीते परमेश्वर प्रभु फिर से एक बार जनों के पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी प्रभु प्रार्थना करते हैं क्या प्रभु जी हर एक जीवन में प्यार प्रभु तो आशीष दें और हर एक लोग हर एक बच्चे प्यार प्रभु जी अच्छी बातों को सीखने में चले पाए और प्रभु हर एक लोग हर एक बच्चे प्यार प्रभु जी अपने अपने जीवन में प्यार प्रभु जी एक अच्छा नमूना बनने पाए प्रभु जी और प्रभु अच्छा दूसरों को शेयर करने पाए दूसरों का हेल्प करने पाए वैसा उत्सवों को बुद्धि और ज्ञान से भर दें ताकि प्रभु तेरी महिमा होने पाए। सारा धन्यवाद उसको देते हुए इस प्रार्थना के नाम से मांगते हैं।